हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स देखे हुए थे, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 12 करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सम है ऐसे तो। सम के अंदर एक्चुअली पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि सम के अंदर आपको पहले से प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों मर्ज करके दिया हुआ है, और सेकेंड आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। यानी सम का मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट अगर अकाउंट बनाने बैठा था, उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उससे, और उसने क्या करा हुआ है, अकाउंट को थोड़ा सा रॉन्ग बना दिया है। यानी उसने क्या करा हुआ है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक में बना दिया है, और बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे कर दिया है। तो हमें यही सम को क्या करना है, करेक्शन करके वापस प्रॉपर वे में सम को देखना है। तो चलिए वन बाय हम लोग सभी इसकी एंट्री करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, परचेस। तो उसके अमाउंट कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैंने लिखा हुआ है 4,64,000। ओके, चलिए नेक्स्ट वन दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, जो कहाँ आएगा, पीएनएल के डेबिट में। मैंने लिखा हुआ है 80,000। शोरूम रेंट 10,000, वो भी मैंने पीएनएल के डेबिट में लिखा हुआ है। पैकिंग एक्सपेंस, ये भी मैंने पीएनएल के एक्सपेंस में लिखा हुआ है, पीएनएल के डेबिट में आएगा एक्सपेंस। फिर आएगा हमारा बैड डेब्स। बैड डेब्स के लिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बना के दिया हुआ है बैड डेब्स का, जो हम लोग फॉर्मेट बनाते थे, बैड डेब्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेब एडजस्टमेंट, बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट एंड बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो उसमें बैड डेब ट्रायल बैलेंस का आपको दिया हुआ है 8,000, और जो बैड डेब रिजर्व की अमाउंट है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे, एडजस्टमेंट में से। ओके, उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो पीएनएल के डेबिट में आपको दिया हुआ है। उसके अलावा फिर आगे नेक्स्ट क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। उसके अलावा फिर दिया हुआ है आपको फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। फिर है सेंट्रा एक्सपेंस, उसको मैंने यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा हुआ है, वो भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। सैलरी, अगेन सैलरी किस में आएगी, पीएनएल के डेबिट में, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने अमाउंट अंदर लिखी हुई है। फिर आपको दिया हुआ टैक्स इंश्योरेंस, अगेन पीएनएल के डेबिट में आएगा। एंड नेट प्रॉफिट, इसको हम लोग कहीं लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, जब हमने ओल्ड सम किया था उस टाइम का आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, पर हम लोग अब वापस अगेन सम कर रहे हैं इसलिए हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट अलग आएगा। सेल्स मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सेंट्रा इनकम, वो भी मैंने लिखा हुआ है कहाँ पर, मिसलेनियस इनकम लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। बैड डेब्ट रिटर्न, तो बैड डेब्ट रिजर्व यहाँ पर मैंने 1,000 रुपीज लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब इसी तरह की कुछ एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर भी क्या क्या चीज़ें उसने रॉन्ग करी हुई है। तो पहले कैपिटल था 1,60,000, और दूसरे का कैपिटल था 1,20,000, जो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 1,60,000 1,20,000 लिखा हुआ है। और उसी तरह से मेरा ड्राइंग दिया हुआ है 48,000 एंड 24,000, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ओके, फिर एक क्रेडिटर्स, वो एज इट इज़ मैंने लायबिलिटी में लिखा हुआ है। बिल्स पेबल, वो भी मैंने लायबिलिटी में लिखा हुआ है। इसी तरह के मेरी एसेट्स, उसमें बिल्डिंग मैंने 2,40,000 वो मैंने एसेट्स में लिखा हुआ है। प्लांट मशीनरी एसेट्स में आएगा, फर्नीचर एसेट्स में आएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, ऑल थिंग्स आर कम इनटू अ एसेट साइज, जो मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब इसके जो हमको एडजस्टमेंट बहुत ही इजी सम में दिया हुआ है हमको, फर्स्ट वन, हमको इंटरेस्ट क्या करना है, कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का लिखा हुआ है, 1,60,000 का 5% करा तो 8,000, और 1,20,000 का 5% करा तो मेरा आ गया 6,000। एक एंट्री यहाँ पे क्यों हुई है, और दूसरी एंट्री में कहाँ ले जाऊँगा इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ही पार्टनर का मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, DNM 8,000 एंड 6,000, आई गॉट 14,000। ओके, नेक्स्ट वन, आपको बिल्डिंग के ऊपर 10% क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ये भी बहुत ईजी है। 2,40,000 का 10% करेंगे 24,000, और दूसरी एंट्री में क्या करूँगा इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा बिल्डिंग के ऊपर 24,000 मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, सैलरी आपने पहले से 400 प्रीपेड की हुई है, तो प्रीपेड सैलरी ऑलवेज क्या होती है, माइनस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में से मैंने माइनस करा हुआ है, और इसकी दूसरी एंट्री मैंने कहाँ दी हुई है, प्रीपेड सैलरी कहाँ पे आप लोग लिखेंगे, एसेट साइड में, जो मैंने लिखा हुआ है दूसरी एंट्री भी। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव ₹800, यानी मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मेरी इनकम होगी बट ऑब्वियस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और दूसरी मेरी क्या होगी, एसेट्स होगी, वो भी मैंने लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹800। ओके, देन फिफ्थ वन, बैड डेब्ट क्या करना है, 1200 आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, बहुत ही ईजी है। डेटर्स के ऊपर 56,000 में मैंने 1200 माइनस करा हुआ है, सो आई गॉट 54,800, ये भी मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, और उसी तरह से मेरा लास्ट वन है,
क्रेडिट परचेस और रुपीज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी परचेस लिखना बाकी रह गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे परचेस के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट परचेस जो नहीं लिखा था उसको मैंने क्या करा 1600 को यहाँ पर ऐड कर दिया है। और आपको मालूम है कि परचेस की दूसरी एंट्री कहाँ जाती है, दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स पे जाती है, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स के ऊपर भी उसको प्लस किया हुआ है कि क्रेडिटर 32,000 के थे उसके अंदर 1600 के नॉट रिकॉर्डेड है यानी 1600, सो आई गॉट फाइनल आंसर विल बी 33,600। ओके चलिए, तो यहाँ पे मेरे जितने भी बाहर के भी एडजस्टमेंट थे सभी हो गए, मेरे अंदर के भी सभी एडजस्टमेंट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो अब मैं कहाँ चलूँगा टोटलिंग पे, तो टोटलिंग में मैंने देखिए क्रेडिट साइड का मेरा ज़्यादा आ रहा है 7,84,000, उसमें मैंने डेबिट साइड का 4,65,600 माइनस करा है तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 3,18,400। उस ग्रोस प्रॉफिट को मैं डेबिट से कहाँ ले जाऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ले जाऊँगा। अब मैंने जब इस साइड का टोटल करा तो मेरा फाइनली क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,27,200 और डेबिट की अमाउंट मेरी माइनस करने पे मेरा नेट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 1,26,400। यानी क्रेडिट में से आप डेबिट की अमाउंट माइनस कर रहे हैं तो डेबिट में मेरा 1,26,400 कम पड़ रहा है, सो वो मेरा क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। वो कहाँ पे मेरा मूव होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा हुआ है एज इट इज़ 1,26,400, उसमें मैंने 14,000 की अमाउंट माइनस करी सो माय डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 1,12,400। ओके अब डिविजिबल प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा, उनका रेशियो हमको दिया हुआ है 3:2 में, 3:2 में मैंने क्या करा हुआ है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, सो आई गॉट 67,440 एंड 44,960 आई गॉट डिविजिबल प्रॉफिट विच विल बी मूव ऑन अ कैपिटल साइड इन अ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट भी। अब एज इट इज जैसा हम टोटल करते थे, क्रेडिट साइड का मैं टोटल करूंगा उसमें से मैं डेबिट की अमाउंट माइनस करूंगा 48,024,000, सो आई गॉट 1,87,440 एंड 1,46,960। ये मेरी कहाँ पे मूव होगी, कैपिटल साइड में जो मैंने यहाँ पर मूव करी हुई है। अब तो एज इट इज़ जो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में जब टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, तो मेरा फाइनली मेरा आंसर 3,76,000 दोनों ही साइड का टोटल मेरा टैली हो जा रहा है। सो अगर इस तरह से मेरा आंसर टैली हो रहा है तो मेरा आंसर टोटली सही है, आई गॉट 11 out of 11 मार्क्स इन दिस सम। ओके तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो चुका होगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।